दोस्तों वेलकम माई यूट्यूब चैनल अगेन। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत स्वागत है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये मेरे पास बैटरी है जो कि सोलर बैटरी है, ये कार बैटरी है। टॉपिक आज का ये है कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कोई भी पानी नहीं है, वाटर नहीं, देखिए यहाँ भी नहीं है, इन सेल्स पर नहीं है, मगर यहाँ प्लस वाले के सामने हमें ऐसा लग रहा है यहाँ पर वेट है, एरिया गीला है, नमी है यहाँ पर, देख सकते हैं, ठीक है, दिख रहा है आपको। और यहाँ पर ज्यादा है, उसके बाद कम है, फिर नहीं है, ऐसे ही यहाँ कार की बैटरी है। तो ध्यान से अगर हम देखें, ये देखिए, तो यहाँ पर थोड़ी थोड़ी नमी देखने को मिल रही है। देखिए ये नमी जो है जाड़ों में, विंटर्स में बिल्कुल नहीं थी, ठीक है, ना के बराबर थी, मगर गर्मियों में देखने को मिल रही है। तो ये होना ठीक है, सेफ है बैटरी के लिए या नहीं बात कर रहे हैं। तो दोस्तों हमारी जो लेड एसिड बैटरीज होती हैं, ये सबसे ज्यादा सेफ मानी जाती हैं, ठीक है, लेड एसिड बैटरीज बाकी सभी बैटरीज में सबसे ज्यादा सेफ मानी जाती हैं। तो ये जो हमारा हो रहा है बैटरी के साथ, ये गर्मियों में ऐसा होता है, ये एक नॉर्मल बात है किसी भी लेड एसिड बैटरी के लिए जो कि फ्लोट वाली है, यानी कि जिसमें पानी की मेंटेनेंस करी जाती है, पानी भरा जाता है, वाटर भरा जाता है। जो सील बैटरी होती है उनमें ऐसा ये कैप वेट नहीं होते, गीले नहीं होते, मगर इन वाली बैटरी में, फ्लोट वाली बैटरी में ऐसा होता है। और इससे आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपके पास कार बैटरी है वो भी नमी उस पर हो सकती है, ऊपर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। देख सकते हैं टर्मिनल हमारे सेफ हैं, कभी भी रस्टेड नहीं है, जंग यहाँ पर नहीं लगा हुआ, कोरोजन नहीं लगा हुआ, देखिए, ठीक है। तो ये ऐसा होता है, ये लेड एसिड बैटरी के होना नॉर्मल है, इससे बैटरी की लाइफ पर कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम ओपन करके देखें, ये अंदर तो कोई परेशानी नहीं, कोई सेल में कोई इश्यू तो नहीं है, तो अंदर सेल एकदम साफ है, देख सकते हैं, क्लीन है, ये देख सकते हैं, बिल्कुल साफ है, ओके, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो बस यहाँ पर आप देख सकते हैं चार्जिंग के टाइम पे जो फ्यूम्स बनती हैं, चार्जिंग के टाइम पर नमी आ जाती होगी थोड़ी बहुत, तो प्लस की तरफ से चार्जिंग जाती है, पता ही आप सभी को, प्लस पर ज्यादा लोड रहता है हमेशा, बाकी आगे देखें हम माइनस पे कोई नहीं आएगी। तो सोलर बैटरी है, बड़ी बैटरी है, तो जगह ज्यादा होती है, स्पेस इसमें, तो इसमें ये वेट यानी कि जो गीलापन है इतना नहीं होता, देखिए। अगर कार की बैटरी में ये थोड़ा सा नमी ज्यादा हो सकती है, तो ये बैटरी की पूरी सरफेस पर हमें देखने के लिए मिल जाती है, देखिए। तो इससे आपकी बैटरी पर कोई निगेटिव इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बस आपको ये ध्यान रखना है कि बैटरी में पानी बराबर रहना चाहिए और फुल रहना चाहिए। और सोलर बैटरी में तो दिख जाता है, सोलर बैटरी में तो फ्लोट लगे होते हैं, आराम से दिख जाता है। कार बैटरी में हम इसको ओपन करके देख सकते हैं। और वाटर बैटरी के लिए पानी बहुत इंपॉर्टेंट है, और वाटर लेवल जहां बताया गया है, जहां तक दिया रहता है मैनुअल में, उतना ही रखें, ओवर ना करें, ठीक है। तो इस तरीके से ये छोटी वीडियो है, मगर कंप्लीट वीडियो ये थी कि लेड एसिड बैटरी पे अगर थोड़ा बहुत पानी आ रहा है ऊपर कहीं भी, तो इससे आप परेशान ना हो, ये एक नॉर्मल सी बात है। और बैटरी आपकी गंदी हो रही है, देख सकते हैं डस्ट, तो इससे भी परेशान ना हो, क्योंकि जो मौसम इस तरीके का हो रहा है आजकल कि यहाँ पर थोड़ी बहुत इस तरीके से डस्ट आ जाती है। मैं डेली भी साफ करूंगा तब भी होता रहता है, तो मैं इसको ज्यादा ध्यान नहीं देता हूँ, इससे बैटरी पर कोई भी नेगेटिव इफेक्ट नहीं पड़ेगा। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, थैंक यू।